आरबीआई ने कारोबारी साल 2019 से 2020 की तीसरी मौद्रिक समीक्षा बैठक में एक बार फिर रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने इस साल रेपो रेट में चौथी बार कटौती की है। मॉनिटरी पॉलिसी बैठक के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.75% से घटकर 5.40% हो गया है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट एडजस्ट होकर 5.15% पर आ गया है। टुडे द एमपीसी वोटेड यूनानिमसली टू रिड्यूस द पॉलिसी रेपो रेट एंड टू मेंटेन द अकोमोडेटिव स्टैंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एज सेट आउट इन द एमपीसी रेजोल्यूशन, फोर मेंबर्स वोटेड फॉर अ रिडक्शन इन पॉलिसी रेपो रेट बाई 35 basis points, while two members voted to reduce the policy repo rate by 25 basis points. आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में की गई इस कटौती से बैंकों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरें घटेंगी, जिससे बैंक से ग्राहकों को मिलने वाले होम और ऑटो लोन के सस्ते होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एसबीआई ने 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन आरबीआई की अब तक 1.1% की राहत के बावजूद बैंक ग्राहकों तक आधा फायदा नहीं पहुंचा पाए हैं। अगर इस बार 35 बेसिस पॉइंट्स की पूरी कटौती होती है तो कैसे आपकी ईएमआई में कमी होगी, ये देखते हैं। अगर अभी बैंक 8.50% के हिसाब से होम लोन देता है, तो मान लीजिए अभी आप 20 साल के लिए 25 लाख का होम लोन लेते हैं, तो आपकी ईएमआई 21,696 की बनती है, लेकिन रेट कट के बाद आपकी ईएमआई घटकर 21,145 हो जाएगी। इसका मतलब है कि नई ब्याज दरें लागू होने पर हर महीने की ईएमआई 551 रुपए कम हो जाएगी और ग्राहकों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा रेपो रेट में कटौती के बाद ऑटो लोन की ब्याज दरों में भी बदलाव आने की उम्मीद है। ऑटो लोन पर एसबीआई की कर्ज दरों को लें तो अभी एसबीआई में 9.70% ब्याज दरें हैं, जिसके हिसाब से अगर आप 10 लाख का ऑटो लोन 5 साल तक के लिए लेते हैं तो हर महीने आपकी 21,99.73 रुपए की ईएमआई बनती है। रेट कट के बाद इसी लोन पर आपकी ईएमआई घटकर 20,928.63 रुपए हो जाएगी, यानी कि 171.10 रुपए की बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में कहा था कि आरबीआई के रेट कट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं। हालांकि ये बैंकों पर निर्भर करता है कि वो ग्राहकों को रेट कट का कितना फायदा कब तक देते हैं।